अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज इस ब्लॉग के किचन में मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मंचूरियन और चिकन फ्राइड राइस। तो ये एक कॉम्बो रेसिपी है। तो अगर आप चाइनीज़ फूड लवर है तो इस रेसिपी को लाजिम देखें। तो चलो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो चिकन मंचूरियन और चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने 700 ग्राम चिकन ली हूँ। ये बोन सिर्फ बोनलेस भी ले सकते हो। उसके अलावा मैंने क्या क्या ली हूँ, तो ये मैंने 2 चम्मच भरकर हरी प्याज ली हूँ, हरी प्याज की पत्ती। उसके अलावा ये 2-3 हरी मिर्च ली हूँ मैंने। तो जो मिर्च हरी से लाल हो जाती है ये उस तरह से ली हूँ मैंने। उसके अलावा ये 1 प्याज चॉप करके ली हूँ मैंने, ये 1 शिमला मिर्ची चॉप करके ली हूँ मैंने, ये 1 चम्मच अदरक चॉप करके ली हूँ इस तरह से, और ये 1 चम्मच लहसुन चॉप करके ली हूँ मैंने। उसके अलावा फ्राइड राइस के लिए भी मैंने सेम प्रोसीजर करी हूँ। हरी प्याज की पत्ती ली हूँ और 1 प्याज ली हूँ चॉप करके। उसके अलावा मैंने सिर्फ इसमें टमाटर एक्स्ट्रा डाली हूँ। तो अगर आपके पास रेड बेल पेपर हो तो आप टमाटर को अवॉइड कर सकते हो। उसके अलावा 1 शिमला मिर्ची ली हूँ मैंने, ये 2-3 हरी मिर्च चॉप करके ली हूँ मैंने, 1 चम्मच लहसुन ली हूँ चॉप करके, और 1 चम्मच अदरक ली हूँ चॉप करके मैंने। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच चाउमीन हक्का नूडल्स मसाला ऐड करूंगी, ये देखिए। इसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच शेजवान चटनी ऐड करूंगी। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड करूंगी, ये हमें थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो ये बहुत टेस्टी है। इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करूंगी, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी। मैं इसमें 1.5 बड़ा चम्मच मैदा ऐड करूंगी, मैदे का आटा। मैं इसमें 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। इसके बाद मैं इसमें 1 अंडा तोड़कर डालूंगी। चीज़ों को मैं चिकन में अच्छे से मिक्स करूंगी। तो ये देखिए, ये सारी चिकन को मैंने मसाला लगा दी हूँ। अब ये चिकन पकौड़ा को मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने ऑयल भी गरम कर ली हूँ। तो अब मैं इसे एक एक करके इसमें फ्राई करते जाऊँगी। तो ये देखिए, एक कढ़ाई में जितना चिकन आया मैंने उतना डाल दी हूँ, बाकी का नेक्स्ट राउंड में डालूंगी मैं। तो इसे 5 मिनट तक हम ऐसे ही फ्राई होने देंगे। बिल्कुल हम इसे इसके साइड चेंज नहीं करेंगे, वरना इसके ऊपर जो कोटिंग है वो निकल सकती है। इस वजह से हम इसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसी तरह से 5 मिनट तक फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, 5 मिनट हो गए, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे एक एक करके। तो अगर आप लोग रेस्टोरेंट जाकर ये वाला कॉम्बो ऑर्डर करते हो तो आप इसे घर में ही बनाकर खाएं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, चिकन मंचूरियन एंड चिकन फ्राइड राइस। मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी अपने पेज पर, आप लोग जाकर देख सकते हो। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का बना रही हूँ मैं, तो आप लोग इसे ज़रूर देखे, बिल्कुल स्किप ना करें। ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर जो दूसरा बाकी है वो अब हम इसमें डाल के फ्राई करेंगे। इसमें एक ट्विस्ट भी है जो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। तो ये सारी चिकन मैंने फ्राई कर ली हूँ, ये देखिए, ये सारी चिकन के पकोड़े बना ली हूँ मैंने। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि मैंने ऑयल को फिर से वापस गरम कर ली हूँ। ये ऑयल बहुत गरम हो चुका है और ये चिकन थोड़ी सी ठंडी होने के बाद अब हम इसे वापस ऑयल में फ्राई करेंगे। ये देखिए, इससे ये होगा कि ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। आप इसे 1-2 पीस सूखा भी खाकर देख सकते हैं। तो हम इसे ये एक साथ ही डाल देंगे सब।
सारी चिकन मैंने एक साथ कढ़ाई में फिर से डाल ली हूँ फ्राई होने के लिए, इससे ये होगा कि ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगी। ये देखिए सारी चिकन फ्राई हो गई है डबल से। अब इसमें से मैंने थोड़ा तेल निकाल दी हूँ सारा, सिर्फ एक चम्मच तेल इसमें रहने दी हूँ मैंने। अब इस तेल में हम डालेंगे ये चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन। ये 2 मिनट तक ऑयल में अच्छे से हम फ्राई करेंगे फुल फ्लेम पर। गैस की फ्लेम हमें फास्ट ही रखनी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये जो रेड मिर्ची है, जो ग्रीन मिर्ची रेड हो गई है वो चॉप करके हम इसमें डालेंगे। इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके बाद हम ये चॉप की हुई प्याज डालेंगे, इसे भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये देखिए ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है प्याज भी इसमें। तो अब हम इसमें ये शिमला मिर्ची डालेंगे, इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। तो शिमला मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है हमारी। अब इसके बाद हम इसमें ये हरी प्याज की पत्ती डालेंगे। हमें गैस की फ्लेम को फास्ट ही रखना है क्योंकि अगर हमने गैस की फ्लेम को स्लो कर दिए तो जो सब्जी का क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा, सब्जी नरम पड़ जाएंगी, इसलिए हमें गैस की फ्लेम को फास्ट ही रखना है। तो ये देखिए सब्जी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, कितना कलरफुल लग रही है। हम इसमें 2 चम्मच नूडल्स मसाला डालेंगे, चाउमीन नूडल्स मसाला, ये देखिए। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच शेजवान डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 1 और चम्मच ले लूँगी मैं क्योंकि चिकन ज़्यादा है। उसके बाद हम इसमें केचप डालेंगे थोड़ा, ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1.5 ग्लास पानी डालेंगे, इसे एक बॉयल आने तक पकने रखेंगे। ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। तो हम इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें ये कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मैंने पानी में घोल कर रखी थी, इसे ऐड करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बन चुकी है ये। अब इस ग्रेवी में हम ये चिकन पकौड़े ऐड करेंगे। ये देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए रेडी हो चुका है हमारा चिकन मंचूरियन। ग्रेवी कितनी अच्छे से चिकन में मिक्स हो रही है। चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए बर्तन मैंने गरम कर ली हूँ। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने चिकन फ्राई करी थी, ये देखिए इसे गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें चॉप किया हुआ अदरक लहसुन ऐड करेंगे। उसके बाद हम ये ग्रीन चिली ऐड करेंगे, रेड वाली, इसे अच्छे से फ्राई कर ली मैंने, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उसके बाद मैं इसमें ये चॉप की हुई प्याज ऐड करूंगी। प्याज को भी मैं अच्छे से फ्राई करूंगी। उसके बाद मैं इसमें ये चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करूंगी।
इसके बीन्स निकाल के मैंने चॉप करी हूँ। उसके बाद मैं ये शिमला मिर्ची इसमें ऐड करूँगी। सब्जी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब शेजवान सॉस ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करूँगी। इसमें मैं ये कुक किए हुए राइस ऐड करूँगी जो मैंने पहले से ही कुक करके रखी थी। ये राइस इसमें मैंने डाल दी हूँ। इसमें मैं ये चिकन तोड़कर डालूँगी जो मैंने फ्राई करी थी अभी मंचूरियन के लिए। ये वही चिकन है, इसके पीस कर ली हूँ मैंने। इसके अलावा इसमें ये 2 चम्मच चाउमीन हक्का नूडल्स मसाला ऐड करी हूँ। इसके अलावा मैं इसमें 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी। चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इसका फाइनल लुक दूंगी मैं अभी फ्राइड राइस का। तो अब हम इसमें ऊपर से गार्निश के लिए ये हरी प्याज डालेंगे। तो ये देखिए रेडी हो चुका है हमारा चिकन फ्राइड राइस। तो अभी मैं आप लोगों को डिश आउट करके बताती हूँ। देखिए रेडी हो चुका है हमारा चिकन मंचूरियन और चिकन फ्राइड राइस। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें टू माय चैनल रिच ब्लॉग्स को। बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूले। तो मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों को एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।